अब जो रिश्तेदारियां चल रही हैं बिहार में, उन पर भी हमारे यहाँ भी सैफई के जैसे गौरव चौहान है, वहाँ भी चच्चा बच्चा का थोड़ा मसला चल रहा है और आपके यहाँ भी शुरू हो गया, तो एक वहाँ से भी मुक्तक सुनिएगा। संबंध सियासी है कौन सच्चा कहेगा, संबंध सियासी है कौन सच्चा कहेगा, रिश्ता पका हुआ है कैसे कच्चा कहेगा, तेजस्वी भतीजा है तो नीतीश है चच्चा, चच्चा ही क्या बच्चे को अब से चच्चा कहे, चच्चा ही अब से चच्चा ही क्या बच्चे को अब से चच्चा कहेगा। और एक समस्या और जो बिहार की बहुत दिनों से लोगों को परेशान करती है और उसके कई परिणाम भी हमने देखे, हम कवि हैं तो उनकी तरफ से भी एक सवाल आपसे पूछते हैं। आज भी देखो बिहार के वासी दो घूंट की आस लगाए हुए हैं, ऐसी कमाल की बंदी हुई सब होठों पे प्यास दबाए हुए हैं, मिलती नहीं है प्रदेश में तो परदेश का प्लान सजाए हुए हैं। डॉक्टर साहब भी आकर के दिल्ली में सुनिएगा एक चार पंक्तियां। इफ्तारी की बात चल रही थी कि बदल के मकान, किसी ने बदला कि बदल के मकान वास्तु दोष मिट गया होगा, बदल के मकान वास्तु दोष मिट गया होगा, पेच फंसे पड़े हैं सियासी कारोबार में, बदल के मकान वास्तु दोष मिट गया होगा, पेच फंसे पड़े हैं सियासी कारोबार में, और राजनीति में ना जाने कौन कब साथ आए, राजनीति में ना जाने कौन कब साथ आए, हाथ छोड़ जाए कौन बीच मझधार में, हाथ छोड़ जाए कौन बीच मझधार में, और पलटू चाचा कहते थे तेजू भैया, पलटू चाचा कहते थे तेजू भैया, नफरत उनकी पलट गई क्या प्यार में, पलटू चाचा कहते थे तेजू भैया, नफरत उनकी पलट गई क्या प्यार में, और चाचा भतीजे में कोई बात भी बनी या फिर, चाचा भतीजे में कोई बात भी बनी या फिर, लिट्टी चोखा खाने ही गए थे इफ्तार में। एक अभी घटना घटी है, घटना क्या, हादसा हुआ एक बिहार में। ट्रेन जा रही थी सहरसा, ड्राइवर ट्रेन छोड़ करके कस्बे में चला गया। एक घंटे ट्रेन खड़ी रही, ड्राइवर ढूंढा तो पी के धुत मिला। सही बात है। इतना भी धुत नहीं था जितना आप बता रहे हो। इससे ज्यादा था। हाँ, वो मुझे गिरना पड़ता अगर पूरी बता दे। तो आप जो है उसकी वो करते हैं कि मैं, मुझे जो देखा कि रोज ही सुशासन के गीत गाते रहते हैं, रोज ही सुशासन के गीत गाते रहते हैं, भाषणों में पूरी पूरी ताकत झोंक देते हैं, और 60 फुट लंबा पुल चोरी से बेच दिया। 60 फुट का लंबा पुल चोरी से बेच दिया, उसका इल्जाम भी दूसरों पर ठोक देते हैं। कि जिस जमीन पर सरकारी अस्पताल बना, मुझे इससे पहले एक बच्चों के लिए एक बात बताता हूं मैं, हरियाणा में ये बात जब समझ में आएगी आपकी, में हरियाणा में एक चौधरी ने कोठी बनवाई, कुछ दिन बाद एक लाला पहुंच गया उनके पास, बोले चौधरी साहब कोठी जहाँ आपने बनवाई है मेरा प्लॉट था। चौधरी साहब बोले देख ले भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कोठी के नीचे आ गया हो। उसकी ये पलट है, इसका मजे लेना। कि जिस जमीन पे सरकारी अस्पताल बना, नीचे की जमीन बेच तड़का झोंक देते हैं। अभी सरकारी अस्पताल बना हुआ तो नीचे की जमीन अधिकारियों ने बेच दी, सड़का झोंक देते हैं, और सर आप करे बंदी के दूसरी जगह तो कार ट्रक रोक पीते हैं, दूसरी जगह तो कार ट्रक रोक पीते हैं, बिहार में तो दारू पीने रेल रोक देते हैं।
मुझे दिनेश दिग्गज की दो पंक्तियां याद आ रही है। हाँ, अरे बड़ी बढ़िया सुन। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बच्चों मुझे लेना, आपने अभी कही बंदी है और रहेगी के रास्ता बंद है तो ये आता कहाँ से? रास्ता बंद है तो ये आता कहाँ से है और आ जाता है तो फिर जाता कहाँ से है? रास्ता बंद है तो ये आता कहाँ से है और आ जाता है तो फिर जाता कहाँ से है? और सुनते हैं बिहार में के दारू बंद है, सुनते हैं बिहार में के दारू बंद है तो पी करके टुल्ल होता ये लाता कहाँ? देंगे सिर्फ इस प्लेकार्ड के जरिए, ये यस और नो कैमरा आपका, ये नंबर वन। सवाल पहला, बिहार में भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए? ओ नो। ओ नो क्यों? ओ नो। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए? नो। अच्छी बात कही सर आपने। नीतीश जी का लाउडस्पीकर पर दिया बयान सही है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फालतू की चीज है, जिसे जैसे मन करता है वो वैसे चलता है, सबकी अपनी इच्छा है? बहुत अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। राहुल गांधी की नेपाल की तस्वीरों से कांग्रेस पार्टी की छवि को धक्का लगा? आड़ा कर लो। उनसे कोई मतलब नहीं है यार। मैं सोचा कहेंगे उसमें गुंजाइश कहां थी। JDU और RJD की भविष्य में एक साथ आने की संभावना नहीं है? नहीं है। हम लोग फालतू में सपना देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग कैसे, आप लोग तो कवि लोग, आप लोग ऐसे रत्न हो कि सागर में ढूंढ के इतने अच्छे अच्छे मोती लाते हो, उसको रस में पिरो के जो हम लोग को सुनाते हो, तो उससे हम लोग कितनी हीमोग्लोबिन बढ़ गई, देखिए कितने लोग हंस रहे हैं। आप लोग के लिए ताली। अरे वाह। इसका सीधा मतलब है कि आप हमारा सपना साकार करोगे। इस कार्यकाल में बिहार में BJP का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? लो छाती ठोक के। हाँ ठीक बात है। नहीं बनेगा। इसमें नो करें चाहे यस करें, मतलब एक ही निकल रहा। प्रशांत किशोर राजनीति के बदलाव के लिए राजनीति में आ रहे हैं? नो। बहुत अच्छा। बिहार में किसी भी शख्स के लिए शराब का इंतजाम करना नामुमकिन है? तो फिर वो ड्राइवर को कहां से मिली सर? मैंने कहा नो, मुमकिन है। तभी तो लोग इतने पकड़े जा रहे हैं, 6 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके, मुकदमे चल रहे हैं। अगर नहीं शराब के इंजाम करते तो जेल क्यों जाते? राइट, स्वीकारो। अब हम कहने लगे नीतीश है तो मुमकिन है। देखो जी।